समस्त बूथ लेवल ऑफिसर बा बीएलओ मानंकु आजर वीडियो रे स्वागत। आजर वीडियो टी आपण मानंक पई रहिछि गरुडा ट्रेनिंग ऐप रिलेटेड। वर्तमान आपणकर गरुडा ऐप टी 4.0 वर्जन रे रन करूछि एवं सेथिरे थिबा समस्त फीचर्स गुडी कु गरुडा ट्रेनिंग ऐप रे मध्ये अपडेट करा जायछि। सेथिपे आपणकर गरुडा ट्रेनिंग ऐप रो वर्जन टी कु मध्ये चेंजेस करा जायछि। वर्तमान आपणकु कहिबाकु चाहौछि कि आपणकर बूथ रो इलेक्शन पर्पज काम जहाँ भी करुछंती आपण गरुडा ऐप्रे करेंगे, किंतु गरुडा ट्रेनिंग ऐप टी आपणकर ओनली ट्रेनिंग पर्पज पे आपण यूज करेंगे। आपण एही ऐप साहाज्यरे फॉर्म 6, 7, 8 अप्लाई रो टेक्निक गुड़िक पाइपरिबे। वर्तमान आपणकर सेम फीचर्स रही गरुडा ऐप्र जो फीचर्स गुड़िक रही गरुडा ट्रेनिंग ऐप्र से फीचर्स गुड़िक रही। एबे आमे देखिबा आपणकर गरुडा ऐप्रे कौन कौन सब चेंजेस करा जायछि। ता पूर्वर आपण मानकु कहिबाकु चाहौछि जदि आपण आमे चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनी पाखे बेल आइकन टी प्रेस करूँ निश्चित रूपे यही अपडेट नोटिफिकेशन गुड़िक सर्वप्रथमें पाइपरिबे। तो ये रही आपणकर गरुडा ट्रेनिंग ऐप टी। तो ये देखूँ आपणकर डैशबोर्ड ये रही 3 लाइन आपरे क्लिक करूँ। क्लिक करापर फास्ट ऑप्शन आपणकर लैंग्वेज सेटिंग गोटे रही देखूँ ये यहाँ क्लिक करूँ। क्लिक करापर जेहेतु आम ओडिशा तो ओडिया उपरे क्लिक करवा। क्लिक करापर आपणकर टोटाल गरुडा ऐप टी ओडिया वर्सन में चेंजेस हो देन एठी आम जीवा डैशबोर्ड 3 लाइन उपरे यापर आम क्लिक करवा। क्लिक करापर फॉर्म गुड़िक रही क्लिक करवा। क्लिक करापर देखु ये भोटर सेवा गुड़िक रही न्यू भोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6 डिलीटेशन फॉर्म 7 करेक्शन ऑफ एंट्रीज फॉर्म 8 एवं इलेक्ट्रल ऑथेंटिकेशन फॉर्म 6 बी एटी आपण आधार एवं मोबाइल नंबर ये फॉर्म रे अपडेट करेंगे। तो देखा फॉर्म गुड़िकर कौन सब चेंजेस करू भोटर रजिस्ट्रेशन क्लिक करूँ। हेलो मोर नाम भोटर मित्र, मु तुमर व्यक्तिगत डिजिटल सहायक अटे। मुझक साहय करी एवं नूतन भोटर पंजीकरण प्रक्रिया समय रे प्रत्येक पदक्षेप को व्याख्या करी। एटी आप चाल आरंभ करने क्लिक करेंगे। जदि आपण प्रथम थर भोटर परिचय पत्र आवेदन करूँ हाँ मुझ प्रथम थर पर आवेदन करुच्चे क्लिक करेंगे। जदि आपण मैंने पूर्वर भोटर परिचय पत्र आवेदन करनी तो ना उपर क्लिक करेंगे। तो ये हाँ मुझ प्रथम थर पर आवेदन करुच्चे क्लिक करूँ। परवर्ती क्लिक करूँ। परवर्ती क्लिक करापर एटी तुम आधार बरणी रही देखूँ आधार संख्या देवे। जदि आधार नंबर टी ना मुर आधार नंबर प्रदान करने को सक्षम नुहे कारण मोर आधार नंबर नहीं यहाँ क्लिक करेंगे। देन जन्म तारीख रही देख जन्म तारीख ये फास्ट वर्षटी को सिलेक्ट करेंगे। वर्षटी सिलेक्ट करापर सिंपली आरो मार्क उपरे क्लिक करेंगे। मसटी सिलेक्ट करेंगे देन मस मध्य डेट टी सिलेक्ट कर ठीक अच्छी उपरे क्लिक करे। डॉक्यूमेंट बा जन्म तारीख दस्तावेज चयन करूँ। डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ जो डॉक्यूमेंट टी आप सबमिट करने को चाहते ये क्लिक करेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट रही आधार कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस सर्टिफिकेट ऑफ क्लास एक्स और एक्स डबल आई देन इंडियन पासपोर्ट। तो ये समस्त डॉक्यूमेंट भितर जेकोसी गोटे डॉक्यूमेंट तुम्हें डेट ऑफ बर्थ पे पारो ता सहित तो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंटर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी संलग्न करूँ। अपलोड ऑप्शन रही अपलोड उपरे क्लिक कर गैलरी और कैमरा रही दुईट ऑप्शन साहाज्य फोटोटी को अपलोड करा करिबा परे एठी प्रीव्यू रो ऑप्शन रही प्रीव्यू करिपरिबे। देन परवर्ती उपरे क्लिक करिबे। देन एठी प्रोफाइल पिक्चर आपणकर जो पिक्चर टी रही जो फोटो टी दबा को चाहूछंती से फोटो टी एठी 200 KB मध्यरे आपण एठी अपलोड करिबे। ता सहित आपणकर जेंडर बा लिंग चयन करंतु। देन आपणकर नाम एठी आपणकर नाम देबे देन रीजनल लैंग्वेज रे ऑटोमेटिक पळे आसीबो। देन एठी सरनेम देबे देन ये मोबाइल नंबर देवे देन जदि मोबाइल नंबर नहीं आप संपर्क मोबाइल नंबर दे पारे नचे इमेल आईडी आपड़पर ये फोटो आम अपलोड करनबा। देन यदि अक्षमता किसी थाए ये अक्षमता उपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करापर परवर्ती क्लिक करेंगे। देन संपर्क प्रकार पिता माता पत्नी एठी रही जहाँ भी ऑप्शन आपण सिलेक्ट करेंगे। जदि पर सदस्यों भोटर परिचय पत्र संख्या रही इपिक नंबर टी टाइप करेंगे। संपर्कियों नाम ये टाइप करेंगे।
देन परवर्ती उपरे क्लिक करिवे। देन घर बिल्डिंग अपार्टमेंट नंबर एठी टाइप करिवे। देन गली क्षेत्र स्थान मोहल्ला एवं सड़क ना एठी टाइप करिवे। देन तहसील तालुका एवं मंडल एठी दे परिवे। देन अनुभाग संख्या आपने सिलेक्ट सेक्शन आपनकर आसीबो एठी आपन देबे। डॉक्यूमेंट प्रूफ एवं एड्रेस डॉक्यूमेंट प्रूफ रे आपनको दबाक पड़िबो। वाटर कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिक कनेक्शन बिल एटलीस्ट 1 ईयर रो हिथिबो, गैस कनेक्शन बिल, आधार कार्ड जहाँ भी आपन एठी अपडेट करिवे, देन ताकु अपलोड करिवे। तो ये समस्त जिनस देखंतु आपनको सेल्फ अटेस्टेड करबाक पड़िबो। देन एठी गां ना देबे। देन जन्म तारीख जेबेठारु सही स्थान रे बसवास करुछंती जहाँ भी आपण देइथिले। देन एठी स्थान रो नाटी टाइप करिवे। देबा परे समाप्त उपरे क्लिक करिवे। देन फॉर्म टी आपण को सामना रे ओपन हे जिवो। एठी जदि किछि करेक्शन करिवार थाए तो एठी क्रॉस मार्क देई आपण बैक जिवे निश्चित करिवे। निश्चिंत करिवा परे आपणकर आवेदन तारीख सफलता सहित दाखल होई। देन आपणकर गोटे रेफरेंस आईडी जनरेट होई जिवो। एई रेफरेंस आईडी टी आपणकर फर्दर आपण अपडेट देखिवा पई आपणकर फॉर्म टी रो आपण यूज करिपरिबे। तो ओके उपरे एठी क्लिक करिनेबे। देखंतु आपण जेबे भी फॉर्म नंबर 60 को अप्लाई करछंती एठी आपणकर चेकलिस्ट पळे आसिला। आपण यहाँ पर क्लिक करिवे। क्लिक करिबा परे ए समस्तटा यदि करेक्ट थाए तो सिंपली समान एठी रहिछि समान उपरे क्लिक करिवे। क्लिक कर ऊपर विवरणी गुडी को सटीक जांच होइछि देन एक्सेप्टेड बाय बीएलओ लिखि देबे। ओके लिखिला परे दाखल करंतु उपरे क्लिक कर देबे। अग्रगति करंतु उपरे क्लिक कर देबे। देन आमे जिबा नेक्स्ट आ गोटे फॉर्म रहिछि फॉर्म 7 रहिछि डिलीटेशन पई। तो डिलीटेशन फॉर्म रे कौन चेंजेस कराई देखिबा चल आरंभ करिबा। हाँ मोर भोटर परिचय पत्र नंबर अच्छी आपण पूर्वर भोटर परिचय पत्र नंबर अच्छी कि एठी आपणकर आप्लिकेंट जी आवेदन करुछंती तो परवर्ती उपरे क्लिक करिवे। एठी भोटर नंबर टी टाइप करिवे। देखिबा आमे सेम गोटे बूथ रो जहाँ भी तुमको दि जाइए ता भितर गोटे देखी नवा आईपीएस 234-27-14 आईपीएस 234-27 कॉपी कर नियंतु। देखंतु ये रही छि आपनकर एप्लिकेंट बाद पई आपत्ति दया करी व्यक्तिर भोटर परिचय पत्र नंबर प्रवेश करंतु जहार नाम आपण चाहूछंती डिलीट करबा पई तांको नंबर एठी टाइप करंतु। देन सविशेष तथ्य एठी आपण क्लिक करंतु। परवर्ती उपरे क्लिक करंतु। तांको घर नंबर एठी पकांतु। स्थान पकांतु। पिन कोड दियंतु। देबा परे परवर्ती उपरे क्लिक करंतु। देन आपत्ति र कारण आपण काहे की आपत्ति करुछंती आपणकर मृत बयसरु कम अनुपस्थित स्थानीय अनुपस्थित स्थायी स्थानांतरित पूर्वर नाम लेखा होईछि जणे भारतीय नागरिक नुहंती मृत्यु यदि थाए मृत्युर प्रमाणपत्र एठी अपलोड करिवे। यदि बयसरु कम रहिछि आपणकर मनकर अनुपस्थित रखुछंती तो परवर्ती उपरे क्लिक करंतु।
क्लिक करने आपठी स्थान ना दिंतु जो स्थान आवेदन करूँ देन मोबाइल नंबर टी टाइप करूँ करी समाप्त उपरे क्लिक करूँ देन फॉर्म टी आपन शो कर देन निश्चित उपरे क्लिक करनी तो ये भाव फॉर्म 70 को अप्लाई करें तो ये भाव देन एक्सेप्ट बाय बीएलओ लिखी आपन एठी सबमिट करी पारिबे। ओके देन आम जीबा फॉर्म 8 गुड़ी को देखिबा। फॉर्म 8 रे आपन को एठी स्थानांतर पई रहिछि ता सहित विद्यमान निर्वाचन तक थिबा एंट्री गुड़ी को संशोधन रहिछि। संशोधन बिना इपिक रिप्लेसमेंट इश्यू रहिछि। अक्षमता थिबा व्यक्ति भाव में चिन्हट के पई अनुरोध जोटा सीडब्ल्यूएसएन जोटा रहिछि। तो देखंतु आम गोटे गोटे करिबा एठी स्थानांतर भोटर परिचय पत्र टाइप करिबे। करिबा परे आधार संख्या एठी देबे आवेदनकारी को उपनाम जदि थाय एठी देबे ता सहित मोबाइल नंबर देबे मोबाइल नंबर टाइप करंतु देन आधार नंबर एठी जहाँ भी थिबा आपन को एठी टाइप करिबे मनकर आधार नंबर टी टाइप करूँ ये देन परवर्ती उपर क्लिक करूँ देन एटी जोठी की स्थानांतर साधारण बासस्थान तुम से जो जगह आप बसवास करेंट एड्रेस ये टाइप करूँ देन आपणकर डॉक्यूमेंट आपण देबे डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ पे आपण एठी डॉक्यूमेंट दे आपण अपलोड करनेबे देन परवर्ती उपरे क्लिक करिवे स्थान उपरे क्लिक करिवे। तो एभली भाबे आपण माने अप्लाई करिवे स्थानांतर पे एवं चेकलिस्ट करी नेबे। एबे आमे देखिबा फॉर्म 8 रे आउटे रहिछि संशोधन पई संशोधन उपर क्लिक करूँ से भाई वोटर आईडी नंबर जी थाए नंबर टी दिंतु देन आपण आधार संख्या टी टाइप करूँ देन मोबाइल नंबर टी टाइप करी आपण नेक्स्ट उपर क्लिक करूँ देन आपणकर जहाँ भी चेंजेस करवा चाहते आपणकर जन्म बयस चेंजेस करवा चाहते कि मोबाइल नंबर चेंज कर फोटो चेंज करवर्त क्लिक करूँ जहाँ भी आप चेंज करवा चाहते से डॉक्यूमेंट गुड़िक संलग्न करूँ और परवर्त क्लिक करूँ ये भाव फॉर्म 8 टी आपणकर संशोधन करें। नेक्स्ट आम देखा फॉर्म 6 बी एटी एटा मोस्ट इम्पोर्टेंट नेक्स्ट वर्क आपण मानी आसूँ जो थी आपण को दबा पड़ा आपणकर वोटर मानकर मोबाइल नंबर एवं आपणकर आधार नंबर ये दबाक पड़ो तो सिंपली एटी आधार संख्या टी टाइप करूँ जदि थाए जदि आपणकर आधार संख्या टी ना तो आप कौन करेंगे ये मोर आधार नंबर प्रदान करने को सक्षम नुहे कारण मो आधार नंबर ना तो आपणकर अर्रे देपारे पैन कार्ड देपारे ड्राइविंग लाइसेंस देपारे मनरेगा जॉब कार्ड देपारे पासबुक देपारे इंडियन पासपोर्ट देपारे ए समस्त डॉक्यूमेंट मधुर जेकोसी गोटे डॉक्यूमेंट को आपण अपलोड करें। ये आप मोबाइल नंबर टी टाइप करेंगे टाइप करापुर समाप्त उपर क्लिक करेंगे तो ये देखू डॉक्यूमेंट को आम दवा पड़ो जेहेतु तो ट्रेनिंग पर्पोज रे आम यूज करूचे किंतु आपण केयरफुली एगुड़िक सब फिल करिवे स्थान देन निश्चित उपरे क्लिक करूँ ये भाव आपण देखु ऑटोमेटिक फॉर्म 6 बी आपण सामने पलि आसिबो।
तो ये भावे फर्म गुड़िको आपनो अप्लाई करी परिवे गरुड़ आप साहज रे देन आपन को कहबा चाहूची गोटे बीएलओ आसेसमेंट एटी रही आपणकर बीएलओ आसेसमेंट देखंतु आपणकर जत्तेटा फर्म आपनो अप्लाई करूछंती फर्म नंबर 678 जदि अप्लाई करिवे देखंतु आमे अप्लाई करले तो कंप्लीटेड लिखिला तो पेंडिंग अप्रूवल चेकलिस्ट फॉर्म्स देखंतु चेकलिस्ट फॉर्म जदि पेंडिंग थाय एठी आपणकर शो करिवो जीपीएस लोकेशन पोलिंग स्टेशन एठी पेंडिंग रहिची आमे अपडेट करिवा देखिबा एउडा ग्रीन टिक हेउची ना नै तो देखंतु सुविधा गुड़ी को परे क्लिक करूँ तो ये मुझे कौन करा अपडेट कर दूँगी। ओके तो अपडेट करवा परे बीएलओ आसेसमेंट को जाऊँ तो देखूँ आपण जो थिला ये पेंडिंग थिला एएमएफ ईएफएम फीडबैक युवा सब फिलअप हो गला युवा ग्रीन टिक होगा तो बीएलओ आसेसमेंट रे आपन को कौन करने को पड़ो ना आपणकर जहाँ भी पेंडिंग स्टेटस रही जमीक फर्म 678 जदि आप अप्लाई कर तो निश्चित रूपे से आपंकर फर्म 678 रो कंप्लीटेड लिख चेकलिस्ट फर्म गुड़िक जदि पेंडिंग थाए ये आपंकर ग्रीन टिक होना तो देखु ये जो मोर दुईट पेंडिंग रही आम क्लीयर करवा देखी ना देखु ये आपंकर अप्रूवल चेकलिस्ट फॉर फॉर्म्स थिला आपंकर पेंडिंग थिला वर्तमान कंप्लीटेड होगा तो आपण मानक कहवा चाहिए आप जो जो काम गुड़िक करेंगे से काम गुड़िक आपंकर ऑटोमेटिक टिक मार्क होगी आसो ये रही आपंकर बीएलओ आसेसमेंट रिपोर्ट तो यही भाव आपन एटी आपंकर बीएलओ आसेसमेंट रिपोर्ट टी दाखल करेंगे सर्च इलेक्ट्रोल एंड व्यू डिटेल्स आम गोटे इलेक्ट्रोल को सर्च करवा और व्यू करवा ये देखु आपणकर येलो मार्क रही पेंडिंग रही आम गोटे देखा आम देखा ये गोटे सर्च करवा ये गोटे इलेक्ट्रोल रही वर्तमान मुझे जो कॉपी करी से पेस्ट करूँ सर्च करूँ आम आपको सर्च कले देखा आमर बीएलओ आसेसमेंट रे देखु आपणकर गोटे इलेक्ट्रोल सर्च करू कर टिक मार्क देला तो यही भाव आप जो जो काम गुड़िक करूँ चेकलिस्ट रे शो कर आसेसमेंट रिपोर्ट रे शो कर आप कम गुड़िक सब कर गरुड़ आप साहय तो यही भाव नेक्स्ट आम आ गए देखा देखु गोटे इलेक्ट्रोल उपर क्लिक करवा मनकर यही इलेक्ट्रोल टी आपणकर बूथ रे अनुपस्थित रोचा बा स्थानांतरित होती कि मृत्यु हो जाती तो ये आम मार्क कर जोटा को आप डीएसए लिस्ट पर आसी मार्काज एएसटी उपरे आमे करी पारिबा तो यही भाव आपण मैंने गरुड़ आप साहय समस्त काम करेंगे होप ये भिडियोटे निश्चित रूपे आप इनफर्मेटिव रही है जब भिडियो आपको भल लगे भिडियो लाइक करेंगे सेयार करेंगे आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे धन्यवाद।